Hello there people, welcome to Shifting Gears, and this right now with me is the 2020 TVS Apache RR310. This is the BS6 model और इस बाइक की कीमत है 2.4 लाख एक शोरूम। तो जरूर ये महंगी हो चुकी है कंपेयर टू व्हाट दी TVS Apache RR310 यूज टू बी व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन इंडिया। लेकिन अभी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं इस बाइक के साथ विच मेक दिस बाइक अ लॉट मोर वैल्यू फॉर मनी इन सम वेज। अब इस बाइक के लिए हम अलग से रिव्यू वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, सो स्टे सब्सक्राइब टू द शिफ्टिंग गियर्स चैनल, प्रेस दैट बेल आइकॉन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट वन पर्टिकुलर फीचर, GTT प्लस यानी कि ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी प्लस, जो TVS आपको इस बाइक के साथ ऑफर कर रहे हैं। नाउ व्हेन यू स्टार्ट द मोटरसाइकिल चेक दिस आउट, RPM जो है इट इज लेस देन 2000। आप क्लियरली देख सकते हो मैं कोई भी थ्रॉटल इनपुट नहीं दे रहा हूँ एंड दिस इज द आइडल सेटिंग। आइडलिंग के टाइम इंजन RPM इज गोइंग टू बी अंडर 2000। लेकिन जब भी आप बाइक चलाना शुरू करते हो, कीप लुकिंग एट माई राइट हैंड, आई एम नॉट गिविंग एनी थ्रॉटल इनपुट। जैसे ही आप क्लच पूरी तरीके से रिलीज करते हो, दी इंजन RPM क्रॉल्स ओवर 2000 एंड स्टेज ओवर 2000, ताकि बाइक जो है क्रीप कर सके, क्रॉल कर सके। तो ये आपको सिटी ट्रैफिक में काफ़ी यूजफुल फीचर होने वाला है। आई एम गोइंग टू अपशिफ्ट नाउ, और फिर भी बाइक जो है कोई भी नॉकिंग साउंड नहीं दे रही है, इट इज़ नॉट फीलिंग नर्वस एट ऑल। एंड इवन नाउ दी इंजन RPM इज़ मेंटेन्ड ओवर 2000। इसकी वजह से द बाइक इज़ गेटिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ टॉर्क एंड पावर टू कीप द मोमेंटम, ताकि इंजन जो है वो स्टॉल ना हो, आपका मोमेंटम जो है, आपका प्रोग्रेस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। एंड राइट नाउ आई एम इन फिफ्थ, इट इज़ ओवर 30 km/h, ईजिली मूविंग विदाउट एनी एक्सेलरेटर इनपुट। अभी भी मैं थ्रॉटल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। नाउ इन सिक्स्थ गियर द स्पीड इज ओवर 35, चेक दिस आउट, वेरी ईजिली क्रॉलिंग इन साइड द सिटी लिमिट्स। तो ये जो GTT प्लस है, ये फीचर आपको सिटी में बाइक चलाते वक्त काफ़ी यूजफुल होने वाला है। अब आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पे लोग इस GTT प्लस फीचर को क्रूज कंट्रोल कह रहे हैं, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट क्रूज कंट्रोल। द ओनली थिंग दैट द इंजन इज डूइंग इज दैट जब भी आप गियर स्लॉट करते हो, द इंजन इज मेंटेनिंग अ हायर आइडलिंग सेटिंग, एक हायर RPM सेटिंग जो है वो यहाँ पे यूज़ की जाती है। द इंजन आइडल्स मच हायर सो दैट इट कीप्स पिकिंग अप पेस, और इंजन नॉकिंग ना हो और आपकी बाइक जो है वो स्टॉल ना हो, इंजन जो है बंद ना हो विदाउट एनी थ्रॉटल इनपुट। ये स्पेशली जब आप सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बाइक चला रहे हो, तभी बहुत काम आने वाला फीचर है एंड यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट इट। अभी भी आप देख सकते हो, व्हेन आई एम एनकाउंटरिंग स्पीड ब्रेकर्स एज वेल, आई डू नॉट हैव टू यूज़ द एक्सेलरेटर, एंड दिस डेफिनेटली इज़ गोइंग टू कीप यू हैप्पी। अगर आप नए हो टू द TVS Apache RR310 एंड यू हैव स्टिल नॉट गॉटन यूज टू द गियर रेशियोज ऑफ दिस मोटरसाइकिल, या मे बी एट टाइम्स इफ यू मिस डाउन शिफ्टिंग टू द ऑप्टिमम गियर, दिस GTT प्लस ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी प्लस फंक्शन इज गोइंग टू हेल्प द बाइक स्टिल कंटिन्यू टू कीप मूविंग फॉरवर्ड विदाउट स्टॉलिंग। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कीप यू सेफ इन सम वेज, क्योंकि अगर इंजन सडनली स्टॉल हो जाती है, इट माइट कॉज सम अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट और यू नो स्ट्रेस टू द राइडर्स और ड्राइवर्स बिहाइंड यू। सो दिस इज डेफिनेटली अ गुड फीचर टू हैव। अभी आपको क्लियरली तो नहीं दिख रहा होगा, बट देर इज अ स्लाइट इनक्लाइन एंड आई हैव स्लॉटेड द मोटरसाइकिल इन गियर जैसे कि आप देख रहे हो, एंड नो थ्रॉटल इनपुट, माई राइट हैंड इज नॉट एट ऑल ऑन द एक्सेलरेटर, एंड इन फोर्थ गियर इट इज़ वेरी ईजिली पिकिंग अप पेस, मेंटेनिंग मोमेंटम, और मैं इस इनक्लाइन को अच्छे से क्रॉल कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टैकल इट वेरी नाइसली, कोई भी प्रकार का इंजन नॉकिंग मुझे अभी फील नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स इट डज फील अ लिटिल नर्वस, इंजन लगिंग जो है इट इज़ नॉट रियली द बेस्ट थिंग टू डू, लेकिन ये GTT प्लस फंक्शन होने के कारण, जस्ट बिकॉज आपके इंजन का RPM थोड़ा हायर सेट हो जाता है, यू आर नॉट कम्प्लीटली लगिंग द इंजन, द इलेक्ट्रॉनिक्स दैट आर अवेलेबल ऑन दिस मोटरसाइकिल, दे आर ट्राइंग टू गिव सम अमाउंट ऑफ थ्रॉटल इनपुट बाई डिफॉल्ट विदाउट यू ट्विस्टिंग द थ्रॉटल। सो यू सॉ इट क्लियरली, द स्लोप दैट आई एनकाउंटर्ड इन फोर्थ गियर, इट वॉज वेरी वेरी ईजी विद दिस GTT प्लस फंक्शन, आई डिड नॉट हैव टू डाउन शिफ्ट। ऑफकोर्स अगर आपको इंजन का ज़्यादा ख्याल रखना है, इफ़ यू वॉन्ट टू बी वेरी काइंड टू द मोटर एंड द गियर बॉक्स, यू शुड डाउन शिफ्ट एंड यू नो राइड इन द बेस्ट वे पॉसिबल।
But just in case if you forget or if you are just new to the motorcycle, all these functions are going to make sure that you ride and glide very easily on this Apache RR310. अब ये जो TVS की BS6 compliant Apache RR310 है, इसका जो 312.2 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल मोटर है, ये प्रोड्यूस करता है 34 PS की पावर एंड 27.3 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। नाउ दिस इज इन स्पोर्ट एंड ट्रैक मोड। अगर आप इसका अर्बन और रेन मोड यूज़ करते हो तभी ये मोटर जो है 25.8 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 25 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एंड द इंजन इज मैच्ड टू अ 6 स्पीड गियर बॉक्स with a slipper assist clutch. Whenever you are riding this TVS Apache RR310, it feels a lot smoother than what it used to be. Hum iske liye baki sare details aapko iske ride review video mein batane wale hain. So please do subscribe and press that bell icon. And meanwhile, talking about this GTT Plus, Glide Through Technology Plus, to ek bar aap throttle input de dete ho, there is no other intervention. ये जो फंक्शन है इट इज़ ओनली एक्टिव एट लो स्पीड्स। तो जब भी आप किसी गियर में थ्रॉटल इनपुट जो है रिलीज कर देते हो, वेन एवर द इंजन इज गोइंग टू आइडल, इट इज़ गोइंग टू आइडल अ लिटिल हायर, इट इज़ गोइंग टू आइडल ओवर 2000 RPM, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन ऑल द वे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लो अंडर 2000, सो दैट इज़ गोइंग टू अवॉइड इंजन नॉकिंग। इसकी वजह से आपको जर्की राइड नहीं मिलेगी, आप स्मूथ प्रोग्रेस कंटिन्यू कर सकते हो। Now again I am going to try the GTT Plus function. I have slot the motorcycle in its top gear aur aap dekh rahe ho ki main throttle input bilkul bhi nahi de raha hu, and I am going to encounter an incline one more time and let's see if this motorcycle can, you know, in top gear encounter that incline, cross that incline nice and easy. So check this out, keep having a look. It does feel a little stressed. हल्की सी knocking sound भी आपको सुनाई देगी अगर incline जो है वो थोड़ा ज़्यादा steep होगा, and it is not really very very kind to the engine. ऐसा situation जब आप encounter करते हो, so whenever it is possible do downshift and throttle it out rather than, you know, abusing this functionality, this GTT Plus, because आप engine पे बहुत ज़्यादा stress डाल रहे हो जब आप ऐसा कुछ करते हो। But overall, I really like this. This GTT Plus inside city traffic is going to be fantastic. और इसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी ride मिलने वाली है. If you think that the throttle is too sharp within parking speeds or at bumper to bumper speeds when you are riding at peak hours, this GTT Plus is going to help you out so that you learn the motorcycle in a much better way. You go through the learning curve of this TVS Apache RR310. In a safe way and at your own pace. अब इसके बावजूद आपको इस बाइक में स्पोर्ट मोड, ट्रैक मोड, अर्बन मोड, रेन मोड, ये चार राइडिंग मोड्स मिलने वाले हैं। यू कैन शिफ्ट बिटवीन दीज राइडिंग मोड्स ऑन द फ्लाई। जब आप बाइक चला रहे हो आपको बाइक बंद करके राइडिंग मोड्स चूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। द GTT Plus Glide Through Technology Plus function is active on all the modes, तो आपको उसमें कोई भी डिफरेंस फील नहीं होने वाला है। इट डज हैव सम वेरिएशन इन द स्पीड्स दैट इट अचीव्स इन अ पर्टिकुलर मोड, क्योंकि जब आप अर्बन और रेन मोड यूज़ करते हो और जब आप स्पोर्ट और ट्रैक मोड यूज़ करते हो, द इंजन डज हैव अ डिफरेंट मैप, क्योंकि पावर डिलीवरी जो है, टॉर्क डिलीवरी जो है, वो वेरी करती है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट, बेस्ड ऑन दैट, योर स्पीड इन द GTT Plus माइट वेरी। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो, आपको क्या लगता है अबाउट दिस ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी प्लस फंक्शन ऑफ दिस अपाचे RR310? क्या आपको लगता है ये फीचर जो है आपको मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेल्प करने वाला है? एंड डू यू विश दैट एवरी अदर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ऑफर्स सच फीचर्स ऑन देयर प्रीमियम मोटरसाइकिल्स? नाउ आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन ऐड दिस न्यू GTT Plus फीचर टू योर ओल्ड BS4 compliant Apache RR310, you are going to have to check this with your dealership, your service center, but I don't think it is going to be possible, kyunki ye jo 2020 BS6 compliant TVS Apache RR310 hai, isme kafi sare naye electronics abhi available hain, jiske karan aapko ye naya GTT Plus function diya gaya hai.
प्राइसिंग हैज़ गॉन अप बट दिस बाइक इज़ नाउ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट। और अगर आप इसे के टी एम की आर सी 390 के साथ कंपेयर करते हो, आई थिंक दैट द के टी एम आर सी 390 इज़ अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट ट्रैक बाइक, बट दिस द टी वी एस अपाचे आर आर 310 इज़ अ मच बेटर ऑलराउंडर जो आप कंफर्टेबली सिटी में चला सकते हो, हाईवे पे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सी यू सून, प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू द शिफ्टिंग गियर्स चैनल।